ये बात तो हम सभी को पता है कि मार्वल वर्सेस डीसी की रेस में मार्वल काफी आगे निकल चुका है, पर जब से ये अनाउंस हुआ था ब्लैक एडम मूवी डीसी के लिए एक्सेलरेटर का काम करेगी, तब से लेकर इसको बड़ा हाइप बना हुआ था। ग्लोबल रिलीज से एक दिन पहले डब होकर हिंदी में रिलीज हो चुकी है फिल्म 2 घंटे लंबी। आइए इसकी बात करते हैं। ये एक ओरिजिन बेस्ड मूवी है जो हर कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताकर अपने एक्शन पर लौट आती है। 2 घंटे के फिल्म में लगभग 1.5 घंटे का तो एक्शन सीन ही है, इसलिए आपको हर कैरेक्टर की नॉलेज लेकर सिनेमा घर जानी हो, क्योंकि फिल्म में इतना टाइम देकर कैरेक्टर बिल्डअप नहीं किया गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म में सुपरमैन का कैमियो होगा ऐसा भी कहा जा रहा था, तो आप ये खुद जाके पता करो, स्पॉइलर के भरोसे मत बैठो। मूवी खत्म होने पर 1 मिनट का पोस्ट क्रेडिट सीन है जो काफी बवाल है, तो कुर्सी की पेटी तुरंत खोल के बाहर मत निकलना। और ये ब्लैक एडम की इंट्रो मूवी है, हो सकता है इसके बाद इसका सीक्वल आएगा या फिर डीसी मूवी में इसका यूज किया जाए। एक्शन से भरपूर इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसका पूरा साथ देता है और VFX बहुत ही उम्दा है। पूरी फिल्म एक ही आदमी के कंधे पर टिकाई गई है और वो है अपने रॉक भैया। उनकी एक्टिंग में वैसे तो कुछ खास नयापन नजर नहीं आता है, पर अगर सब मिलाकर देखें तो सब ने एक्टिंग अच्छी की है। अगर आपको एक्शन मूवी अच्छी लगती है तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी। मैं दूंगा इस फिल्म को 3/5 स्टार। आपको ये मूवी कैसी लगी अगर देखी है तो कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।